जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैट्स गुरुजी पर। आप देख रहे हैं गोवा वर्सेस विदर्भ T20 मैच जो खेला जाएगा हाई स्कूल ग्राउंड पे। तो स्टूडियो में आपको बताऊंगा हेड टू हेड मैचेस में क्या होता है, जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तो क्या सामने निकल कर आता है। जब इस वेन्यू के ऊपर मैचेस हुए हाई स्कूल ग्राउंड पे तो कौन से प्लेयर से जो परफॉर्मेंस दे गया आता है, आपको अपनी ड्रीम इलेवन टीम में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको बनाना है, तो स्टूडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, तो बने रहना भाइयों तक। तो बिना देरी के हम प्रीव्यू शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं ये मैच हिमिल्ड हाई स्कूल ग्राउंड इंदौर के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन दोपहर के 12 बजे स्टार्ट होगा। तो गाइस आपको करना कुछ नहीं है, आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है क्योंकि यहाँ पे लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है फाइनल टीम्स आएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको करना है क्या, आपको अपने टेलीग्राम के अंदर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है @StartsGuruji। आप जैसे ही सर्च करते हो चैनल मिल जाएगी जिसके अंदर आपको करंटली 66,000 प्लस सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे स्टार्ट्स गुरुजी का लोगो दिख जाएगा, आपको नीचे ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करके दे दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हो। मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी फेक चैनल्स बनी हुई है, तो आपको हमारे चैनल को अच्छे से ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर @StartsGuruji भी लिखा रहेगा और 66,000 के आसपास यहाँ पे सब्सक्राइबर्स रहेंगे, ठीक है। या फिर आपको लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करके दे दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे किसकी, पिच रिपोर्ट की, तो आपको लेके चलता हूं दोस्तों पिच के ऊपर। मैच ना कहाँ खेला जाएगा, हिमिल्ड हाई स्कूल ग्राउंड पे, जैसा आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया, ठीक है। इस वेन्यू के ऊपर ना रिसेंटली 17 जनवरी को मैच हुआ था सौराष्ट्र वर्सेज MP, ठीक है। उस मैच में मैंने क्या देखा था दोस्तों भी आपको समझाऊंगा, लाइव मैच तो आया नहीं था लेकिन जो स्टैट्स बता रहे हैं ना वो आपको बताऊंगा यहाँ पे। और इस वेन्यू के ऊपर ना इस सीजन के अंदर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 ईयर के अंदर कितने मैचेस हो चुके हैं, 4 मैचेस हो चुके हैं सीजन के अंदर। तो ये 4 मैचेस में क्या होता आपको समझना है, जो पिच थी ना दोस्तों न्यूट्रल थी और थोड़ा सा बैट्समैन को हेल्प करी थी, यहाँ पे 180 के आसपास स्कोर बन रही थी हर बार, ठीक है, और चेज भी जा रहे थे। आप समझ सकते हो यहाँ पे जो टीम पहले बैटिंग करती ना वो अभी तक यहाँ पर एक भी मैच नहीं जीती है, चेस करने वाली टीम यहाँ पे 4 के 4 मैचेस जीती है। इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब ये हुआ अगर आप किसी भी वेन्यू पे देखते हो ना चेस करने वाली टीम जीत रही है, इसका मतलब रहता है विकेट जो पिच रहती है ना पहली पारी में भी मिट्टी को होल्ड करके रखती है, दूसरी पारी में भी पिच मिट्टी को होल्ड करके रखती है, क्रैक्स नहीं आते दूसरी पारी के अंदर। नॉर्मल रेस के अंदर क्या होता है, दूसरी पारी के अंदर पिच स्लो जानी चाहिए क्योंकि प्लेयर्स वहाँ पे खेल के जाते हैं, काले काले कलर के पैचेस बन जाते हैं, प्लेयर्स के फुटमार्क आ जाते हैं, पर ऐसा इस वेन्यू के ऊपर नहीं है, ठीक है, आपको समझा दिया मैंने। तो न्यूट्रल सर्फेस रहेगा, बैट और बॉल के बीच के अंदर एक अच्छा खासा बैलेंस रहेगा और यहाँ पे एवरेज रहेगा 160-200 बनता दिखेगा। लास्ट 4 मैचेस में क्या हुआ था आप देखो यहाँ से, ठीक है, पेसर्स ने 27 विकेट निकाले, स्पिनर्स ने 19 विकेट निकाले, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं स्पिनर्स में यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते हैं क्योंकि 27 और 19 ज़्यादा फर्क नहीं है, मैं कह सकता हूँ सिर्फ 7-8 विकेट का फर्क है। जब देखो यहाँ पे पहली पारी के अंदर स्पिनर्स ने 14 विकेट निकाले हैं, दूसरी पारी में सिर्फ 5 विकेट निकाले हैं, वही तो रीज़न है कि यहाँ पे चेस करने वाली टीम जीतती है, जो टीम चेस करती है उसके विकेट ही कम गिरते हैं। तो स्पिनर्स दोस्तों दूसरी पारी के अंदर कहाँ ज़्यादा विकेट निकाल लेंगे, पहली पारी में स्पिनर्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है दूसरी पारी में कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत तो कुछ करते हैं, तो आप उनको ट्राई कर सकते हो लेकिन पहली पारी वाले स्पिनर्स को तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। जो लास्ट मैच हुआ था कौन सा, सौराष्ट्र वर्सेस MP का 17 जनवरी को हुआ था परसों, उसमें क्या हुआ था 6 विकेट यहाँ पे तेज गेंदबाजों ने निकाला था, 2 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स ने निकाला था, तो पूरे मैच के अंदर यार सिर्फ 8 विकेट गिरे थे। ये दिखाता है बैटिंग सर्फेस रहने वाला, ज़्यादा विकेट्स यहाँ पे नहीं गिरते हैं। सन्नी वेदर रहेगा दोस्तों इंडिया के अंदर, वैसे सर्दी का टाइम है कहाँ बारिश होगी दोस्तों। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, इतनी से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे किसकी, जब दोनों टीम आपस में खेली आज तक कभी दोनों ने आमना सामना नहीं करा, आपको पता रहेगा अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं, 5 या 6 ग्रुप रहते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर, सबको अलग अलग ग्रुप्स में डाला जाता है, तो कभी इत्तेफाक से एक ग्रुप में आ जाते हैं, 10 बार आ चुके हैं दोनों टीम्स, कभी आमना सामना नहीं करा। यहाँ पे बात करेंगे किसी गोवा की, इस सीजन के अंदर ये लोगों ने 4 मैचेस खेले, 2 जीती है दोस्तों, अच्छा कर रही है इस सीजन के अंदर गोवा। इस बार ना गोवा एक कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि यार अच्छे से खेल रही है, जो एक्सपेक्टेड रहता है कि गोवा यार नहीं खेल पाएगी अच्छे से, वैसा नहीं है, सरप्राइज कर रही है सबको। लास्ट ईयर देखो आप, ये लोगों ने 6 मैचेस खेले थे, ठीक है, 6 में से ये सिर्फ 1 जीती थी और 5 हारी थी, तो आप समझ सकते हो कि इनका पिछले साल कितना खराब परफॉर्मेंस था। इस बार इनको ग्रुप भी ऐसा ही मिला है कि इसके अंदर एक दो थोड़ी सी इनकी जैसी टीम्स है तो उनके सामने अच्छा कर देती है। अब देखो यहाँ से ओपनिंग कौन करेगा, ओपनिंग करेंगे यहाँ से एकनाथ कर, ये दोस्तों खैर खैर बहुत अच्छे बैट्समैन मैं कह सकता हूँ, राइट हैंडेड बैट्समैन है, विकेट कीपिंग करते हैं थोड़े जानवाने बैट्समैन है। रहेंगे ऐसे आदित्य कौशिक, ये भी राइट हैंडेड बैट्समैन, इनके बारे में बताऊंगा क्या खासियत है। रहेंगे स्नेहल कोतांकर, राइट हैंडेड बैट्समैन। फिर रहेंगे ऐसे टीम के कप्तान अमित वर्मा,
ये क्या है, लेफ्टी बैटिंग करते हैं और लेग स्पिनर है। फिर आएंगे यहाँ से अमोल सुनील देसाई, राइट हैंडेड बैट्समैन है, शायद इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर आएंगे यहाँ से दर्शन मिशेल, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, लेफ्टी बैटिंग करते हैं। आएंगे यहाँ से सुयश प्रभु देसाई, राइट आर्म मीडियम है, राइट हैंडेड बैट्समैन है। फिर आएंगे यहाँ से लक्ष्य गर्ग, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं दोस्तों, बॉलिंग भी करते हैं। कभी कभी इनको प्रमोशन मिलता रहता है बीच बीच के अंदर, मतलब दो तीन मैचेस में से एक मैच में इनको हिटिंग करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि सिक्सर्स ज़्यादा हमारे आज तक जब ये खेले ना, फोर्स इनके थोड़े कम से रहते हैं। फिर आएंगे यहाँ से फ्लेक्स अमीनो, ठीक है, राइट आर्म मीडियम। फिर आएंगे यहाँ से विजेश प्रभु देसाई, राइट आर्म मीडियम। यहाँ से आएंगे अशोक डिंडा, दो तीन मैचेस है ना, लास्ट दो मैचेस से अशोक डिंडा नहीं खेल रहे हैं, पता नहीं क्यों, कोई इंजरी कारण हो सकता है, देखने लायक रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, कोई अपडेट आती है प्लेइंग 11 की आप फिर ट्विटर पर जाके देख सकते हो। बस आपको क्या सर्च करना रहता है, हैशटैग सैयद मुस्ताकअली ट्रॉफी लिख देना, ठीक है, आपको ट्विटर के अंदर जाके, तो आपको वहाँ पे प्लेइंग 11 वगैरह मिल जाएगी टॉस से आधे घंटे पहले या 20 मिनट पहले, ये भी आपको बता दूँ। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि चार ओवर कौन डालेगा, तो पहली बात आती है अगर अशोक डिंडा खेलते हैं तो वो डालेंगे। अब यहाँ से देखो, फ्लेक्स से मुनो डालते हैं, विजेश यहाँ से डालेंगे ये, और यहाँ से लक्ष्य गर्ग डालेंगे, ये तो नाम कंफर्म हो गए, ठीक है, जिनके आगे मैंने टिक मारा है, इनके लगभग चार ओवर कंफर्म रहते हैं, ये आपको बता दिया मैंने। ये इनके सबसे लास्ट के चार बॉलर्स दिख रहे हैं ना, सबसे मेन बॉलर्स। यहाँ पे बात करते हैं विदर्भ की, ये सीजन बहुत खराब जा रहा है, चार के चार मैचेस हारी है। लास्ट ईयर तो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था, चार मैचेस में से दो जीता दो हारा। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, जितेश शर्मा ओपनिंग करते हैं सिद्धेश वत्त के साथ। फिर आएंगे यहाँ से यश राठौड़, पिछले मैच में उन्होंने अच्छी पारी खेली थी, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। आएंगे अक्षय वत्कर, इस टीम के अंदर तीन अक्षय दोस्तों, मतलब टेंडर ले रखा है लोगों ने अक्षय को खिलाने का। यहाँ से देखो अक्षय वत्कर हो गए, राइट हैंडेड बैट्समैन। फिर यहाँ से देखो मोहित राउत, ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, मतलब मैं कह सकता हूँ, अभी आपको बताऊँ क्यों कह रहा हूँ मैं, हुआ करते थे, राइट हैंडेड बैट्समैन है और स्पिनर है। फिर आएंगे यहाँ से अक्षय करनेवर, ये क्या है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। फिर आएंगे यहाँ से अपूर्व वानखेड़े, राइट हैंडेड बैट्समैन है, इस टैलेंट को ना टीम थोड़ा सा वेस्ट कर रही है, इसको खिलाना चाहिए था वन डाउन टू डाउन, ये बताऊँ किस नंबर पर खिलाती है इसको टीम, वन डाउन टू डाउन थ्री डाउन फोर डाउन फाइव डाउन खिलाती है इस भाई साहब को, पाँचवें नंबर पर खिलाती है, ठीक है, आप सोच के यार ऐसे खिलाड़ी को पाँचवें नंबर पर खिलाना दरअसल यहाँ पे पूरा गलत है, ज़्यादा रन खराब ही नहीं टूर्नामेंट के अंदर। आएंगे ऐसे दर्शन लकाड़े, ये दोस्तों सबके आई थिंक कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाला है, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, बॉलिंग अच्छी कराते हैं, बैटिंग में थोड़े बहुत अपने हाथ मार लेते हैं। फिर आएंगे ऐसे आदित्य ठाकरे, फिर आएंगे यहाँ से यश ठाकुर, फिर आएंगे यहाँ से अक्षय वखारिया, टीम के कप्तान है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। जो पहला मैच हुआ था उसके अंदर गणेश सतीश ने कैप्टनसी करी थी, फिर इनको बाहर कर दिया गया और यहाँ से अक्षय वखारिया को कैप्टनसी दे दी गई थी। यहाँ पे बात करते हैं लास्ट मैच में कैसा था प्लेयर्स का परफॉर्मेंस। अब आपको दोस्तों स्टैट्स को समझना है, बहुत ही सरल भाषा में स्टैट्स मैंने लिख रखे हैं। देखो लास्ट मैच में क्या हुआ था, गोवा की तरफ से एकनाथ खेरकर ने क्या करा था, 45 करा पहले मैच के अंदर, फिर एक करा, फिर 32 करा, फिर 38 करा। इसका मतलब क्या हुआ, इसने ना लास्ट चार में से तीन मैचेस में 30 प्लस स्कोर करा था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक तो कीपिंग करते हैं, ठीक है, उनको कीपिंग के पॉइंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब एक दो कैच पकड़ लेते हैं तो एक कैच का कितना पॉइंट मिलता है, 8 पॉइंट मिलता है, ठीक है। और ये पावर प्ले में बैटिंग करते हैं 45 from 18, फिर यहाँ से मतलब थोड़ा ठीक ठाक स्टार्ट था 30 from 32, ऐसे मतलब ठीक ठाक स्टार्ट है, तो आपको थोड़े बहुत पॉइंट दे सकते हैं 30-40। फिर आएंगे यहाँ से आदित्य कौशिक, 12, 78, 22, 19, ये बैट्समैन भी दोस्तों लगभग 12 या 15 बॉल खेल के जा रहा है हर मैच के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, स्टार्ट ले लेता है, कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है ना अपना विकेट दे जाता है स्पिनर्स को, जो मैंने देखा था, ठीक है। फिर आएंगे यहाँ से स्नेहल कौथांकर, 31, 19, यहाँ से 16, यहाँ से 5, ये थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं, फिर इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले इनको कोई झटका दिया जाता है स्पिनर्स। फिर आएंगे यहाँ से अमित वर्मा, देखो यहाँ से पहले मैच के अंदर एक ओवर के अंदर 20 रन पिटवाया, 2 रन स्कोर करा, दूसरे मैच में आते हैं 42 की नॉक, फिर 23 की नॉक, फिर 22 की नॉक, तो बैटिंग कर लेते हैं हर मैच में, एक ओवर तो डालते डालते हैं, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने ओवर नहीं डाला था, क्योंकि देखो पहले मैच में एक ओवर में 20 रन पिटवाया, फिर यहाँ से एक ओवर में 13 पिटवाया, इस मैच में एक ओवर में 17 पिटवाया, उसके बाद बॉलिंग नहीं कराई थी, इनको पता है कि इनका एक ओवर के अंदर 15 के ऊपर तो पिट ही रहा है, तो मैं बॉलिंग क्यों कराऊँ। यहाँ से अमोंग सुनील देसाई दिखेंगे, इनको ना टूर्नामेंट के स्टार्टिंग के अंदर ओपनिंग कराई थी ये दो मैचेस के अंदर, जिसमें 22 करा, एक में फिर 5 रन करा 11 बॉल के अंदर, फिर टीम समझ गई इसे ओपनिंग हो नहीं रही है, तो उसको नंबर 5 या नंबर 6 पर ढकेल दिया गया और लास्ट मैच में 4 बॉल पर 7 करा था। फिर आएंगे यहाँ से कौन, सुयश प्रभु देसाई, पहले मैच में 48 स्कोर करा, 22 बॉल्स के अंदर एक ओवर डाला, 11 रन पिटवाया, फिर नेक्स्ट मैच के अंदर आते हैं 1 रन स्कोर करा, मतलब इनका वो स्टैंडर्ड नहीं है मतलब बॉलिंग से, क्योंकि देखो यहाँ से पहले मैच में एक ओवर, फिर दूसरे मैच में एक ओवर, फिर यहाँ से तीसरे मैच में आते तो 3 ओवर, फिर दो चौथे मैच में इसको बॉलिंग ही नहीं मिली थी। इसका मतलब क्या हुआ, ये विद द बैट थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दे सकते हैं, हिटिंग करने आते हैं, इनका दिन रात तो दोस्तों चल गया, टोटल हिट या मिस टाइप प्लेयर, आपको 30-40 पॉइंट दे सकते हैं खींच के, वरना ये भी नहीं दे सकते। फिर आएंगे यहाँ से दर्शन मिशेल, 17 स्कोर करा, फिर 2 ओवर डाला,
24 रन पिटवाया। नेक्स्ट मैच के अंदर आते हैं, 14 स्कोर करा, एक विकेट निकाला, फिर नेक्स्ट मैच के अंदर 4 ओवर डाला, मतलब ये रेगुलर बॉलर है इस टीम के, दर्शन मिशेल। और फिर नेक्स्ट मैच के अंदर 15 की पारी खेली। बैटिंग में हमेशा आपको 15 करते हुए दिखेंगे, देखो यहाँ से 17, यहाँ से 14, यहाँ से 15, यहाँ से 3 पे आउट हो गए थे उस मैच के अंदर, पूरे फ्लॉप हुए थे, लेकिन यहाँ से 4 ओवर के अंदर सिर्फ 15 रन दिया, एक विकेट निकाला। तो एक अच्छे खासे बॉलर है, बैटिंग में थोड़ा बहुत हाथ मार लेते हैं, यहाँ से लक्ष्य कर आएंगे, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहले मैच के अंदर 52 पिटा, फिर देखो दोस्तों इसका कम बैक, 2 विकेट 25 रन देखे, फिर से पिटा, 1 विकेट 42, फिर से कम बैक करा, मतलब जब पिटता है ना बंदा फिर कम बैक करता है इस मैच में, देखो दोस्तों क्या होता है, आई थिंक पिटना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। फिर आएंगे यहाँ से दीपर गनोकर, पहले मैच के अंदर यहाँ पे आप देखो 1 विकेट, दूसरे के अंदर इसको 3 ओवर के अंदर 23 पिटा, फिर भाई साहब ने ना हद कर दी, 4 ओवर के अंदर 63 पिटवा दिया, फिर भाई साहब को बाहर ही बिठा दिया, तो बैट बाहर, पानी वानी ला के दे हमको। रहेंगे यहाँ से मलिक शम्ब सुरूर, कैसा परफॉर्मेंस है, पहले मैच के अंदर 3 ओवर के अंदर 1 विकेट निकाला, 17 रन दे के, दूसरे मैच में आते हैं 15 रन दिया, 2 विकेट निकाला। फिर रहेंगे यहाँ से हिरमम प्रभु, इनको दो मतलब कि पहला मैच खिलाया फिर बाद में खिलाया नहीं था, तो इनकी बात करना ज़्यादा वो नहीं रहेगा। यहाँ से आएंगे फ्लेक्स अल्मिनो, इन्होंने पिछले मैच में 4 ओवर डाला था, 35 रन पिटवाया, 1 विकेट निकाला। विजेश प्रभु देसाई, पिछले मैच में प्लेटू वॉच ऑफ रहे थे, क्यों कह रहा हूँ आपसे, इन्होंने डेथ ओवर में बॉलिंग कराई थी, कमान संभाली थी और वहाँ पे अच्छी बॉलिंग कराई थी, 3 विकेट निकाला था, 28 रन देके। फिर आएंगे यहाँ से अशोक डिंडा, ये स्टार्टिंग के 3 मैचेस के लिए, लास्ट मैच इनको रेस्ट दिया गया था, इस मैच में शायद वापसी करने चाहिए, पहले मैच में 2 विकेट है, फिर 1 विकेट है, फिर 2 विकेट है। और ऐसे आएंगे वैभव गोवंकर, इनको पहला मैच खिलाया था, कुछ मतलब नहीं निकला, कुछ नहीं करा था, फिर बाहर बिठा दिया, अब डेथ ओवर में कौन बॉलिंग कराएगा, लक्ष्य गर्ग, अशोक डिंडा और यहाँ से विजेश प्रभु देसाई खेलते तो वो भी कराएंगे, लक्ष्य गर्ग तो कंफर्म है, अशोक डिंडा खेलते तो वो भी कंफर्म है। यहाँ पे बात करते हैं विदर्भ की, तो आप कैसे देखेंगे, जितेश शर्मा पहले मैच के अंदर 0, 43, 2, फिर 12, ये बैट्समैन दोस्तों लास्ट 3 मैच से सिर्फ 1 मैच में चला है, तो ये टोटली हिट या तो मिस टाइप प्लेयर रहेगा। अभी आपको उसके स्टैट्स बता दूंगा T20 करियर के। यहाँ से आएंगे सिद्धेश्वर, कैसा परफॉर्मेंस है दोस्तों, अच्छा खिलाड़ी मुझे लगा, 31, 21, 26, 29, हर मैच में 15 बॉल के ऊपर इसने फेस करा है, ठीक है, हर मैच में 20+ स्कोर करा है, इसका मतलब क्या, स्टार्ट ले रहा है। फिर आएंगे यहाँ से यश राठौड़, लास्ट मैच में 36 करा है 31 बॉल के अंदर, इन्होंने भी पिछले मैच में अच्छा स्टार्ट ले लिया था। ऋषभ राठौड़ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, 2, फिर यहाँ से 0, अक्षय वदाकर 9 स्कोर करा, 10 स्कोर करा, फिर उनको टीम ने नहीं खिलाया। फिर अक्षय करने वाले आते हैं, जो थोड़ी हिटिंग कर लेते हैं, पहले मैच के अंदर देखो 3 ओवर के अंदर 16 रन पिटवाया, 9 रन स्कोर करा, दूसरे मैच में आते हैं 1 विकेट निकाला, लगभग 50 रन के आसपास पिटवा दिया था, 4 ओवर के अंदर 21 स्कोर करा, फिर आए यहाँ से 1 रन स्कोर करा, 3 ओवर के अंदर 25 रन पिटवाया, विकेट लेस रहते हैं। तो इनका ऐसा रहता है कि ओवर तो डालेंगे 2-3, ठीक है, उसमें अगर बैटिंग मिल जाती है तो 10-15 रन करके दे सकते हैं मैक्सिममली। यहाँ से आएंगे मोहित राउत, उन्होंने क्या करा, पहले मैच के अंदर 12 स्कोर करा, ठीक है, 1 ओवर डाला, 1 विकेट निकाला, दूसरे मैच में आते हैं 2 डाला, 25 रन पिटवाया, 20 रन स्कोर करा। तो ये भी दोस्तों आपको 20-30 पॉइंट दे सकते हैं, मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि ज़्यादा पॉइंट्स दे, वैसा खिलाड़ी नहीं है। यहाँ से अपूर्व वानखेड़े आएंगे, इनका भी वही हाल है कि 1-2 सिक्सेस मार जाते हैं, मतलब सिक्सेस में ही डील करते हैं ज़्यादातर, छक्के मारने में माहिर है, पहले मैच में 13, फिर 18, फिर 6 बॉल के अंदर, फिर यहाँ से 12 स्कोर करा, यहाँ से 26 स्कोर करा, उसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे, तो आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि 6-4 के आपको पता है 6-2 × 2 पॉइंट्स हो जाते हैं, मतलब 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, 4 के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, तो उनको थोड़े बहुत पॉइंट्स वहाँ पे मिल जाते हैं, कैच गलती से पकड़ लेते हैं तो आपको थोड़ा ठीक ठाक पॉइंट्स दे जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर इनको थोड़ा सा टीम ऊपर खिलाए ना तो आपको आराम से 40-50 के आसपास स्कोर करके दे सकता है। यहाँ से आएंगे दर्शन लकांडे, पहले मैच के अंदर 4 विकेट, भाई ने अपना दमखम दिखाया, दूसरे मैच में 4 विकेट निकाला, फिर तीसरे में आता है 2 विकेट निकाला, 21 की पारी थी, 15 की पारी थी, तो बैटिंग कर लेता है। लास्ट मैच के अंदर 3 ओवर के अंदर 30 रन खाया था, विकेट लेस गया था। तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा था कि जो दर्शन लकांडे है ना, ये पहली पारी के अंदर 4 विकेट निकाला था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहली पारी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, आप कैप्टन बना सकते हो, वरना दूसरी पारी में आप इनको हटा भी सकते हो, ठीक है। रहेंगे यहाँ से ऋषिकेत भूते, 10 स्कोर करा, पहले मैच के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं। फिर रहेंगे यहाँ से यश ठाकुर, बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर इस टीम के लगता है, ये जब पहली पारी के अंदर बॉलिंग कराते हैं ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो पहले मैच के अंदर 2.3 डाला, 19 रन पिटवाया, विकेट लेस रहे, फिर दूसरे मैच में आते हैं 4 ओवर के अंदर 47 रन पिटवाया, 2 विकेट निकाला, फिर तीसरे मैच के अंदर आते हैं 3 विकेट निकाला, 25 रन देके, ये दिखाता है बॉलिंग अच्छी है इनकी। लास्ट मैच के अंदर तो आई थिंक ये भी पिटे ही थे, 2.2 ओवर डाला था, मैच खत्म हो गया था, इन्हीं की बॉलिंग के अंदर 16 रन पिटवा दिया था। आदित्य ठाकरे भी दोस्तों कम बैक कर रहे हैं, 1 विकेट निकाला, 19 रन देके 4 ओवर में, फिर यहाँ से 32 रन देके 1 विकेट निकाला। अक्षय वकारे 3 विकेट निकाला पहले मैच में, फिर 0, फिर 0, फिर 1, मतलब इनका परफॉर्मेंस है कि 4 ओवर तो डालेंगे, इस टीम का कैप्टन है, ठीक है, इनका कंफर्म है, इनको विकेट मिलने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आप देखो पहले इनके 4 मैचेस में 4 विकेट है, तो पर मैच 1 विकेट मान सकते हो, अदरवाइज साइड यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। गणेश सतीश भी 2 मैचेस खेले थे, 10 और यहाँ से 7 स्कोर करा था,
मोस्टली वही का आपको डी मतलब हो गया अपने कौन दर्शन नलाकांडे और यश ठाकुर पहली पारी में बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं। डेथ ओवर में कौन बॉलिंग कराएगा, दर्शन नलाकांडे दो डालते हैं, यश ठाकुर दो डालते हैं, अब जो बचा एक ओवर वो डालते हैं अक्षय करनावर, ठीक है। डेथ ओवर के अंदर यहाँ पे बात करेंगे किसकी प्लेयर स्टैट्स की क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्लेयर्स के स्टैट्स आप यहाँ से ध्यान से देखो, गोवा की तरफ से आपको दिखेंगे यहाँ से एकनाथ करेकर 10 मैचेस में 38 के एवरेज है, 227 रन आए, 53 नॉट आउट है, बहुत अच्छा करते हैं। अंग आदित्य कौशिक 21 मैचेस के अंदर 23 के एवरेज है, 500 के आसपास रन है, आए 78 है। ये चीज करते टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पहली पारी के अंदर 8 मैचेस के अंदर 126 रन है, लेकिन आपको अब ध्यान क्या देना है दूसरी पारी में 9 मैचेस में 207 रन है, ये जब चेस करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आएंगे यहाँ से स्नेहल कौतांकर 21 मैचेस के अंदर हाई 57 है, 350 रन है, पहली पारी में बहुत अच्छा करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से प्लेयर को आपको लेना है, जैसे टॉस होगा ना तो आपको क्या करना है सबसे पहले हमें वीडियो प्ले करना है फिर से, और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप सोच रहे भाई अपना वीडियो प्ले करने के लिए बार बार बोल रहे हैं, तो आपका करना स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। जो आपको स्टार्ट दिखना मैंने यहाँ पे क्लियर भी कर दिया आपके लिए, एकदम क्लीन फोटो दिख रही रहेगी, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ आपके लिए। तो ये देखो आपका स्क्रीन शॉट ले लेना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा प्लेयर पहली पारी में अच्छा है, कौन सा प्लेयर दूसरी पारी के अंदर अच्छा है। करेंगे ऐसे अमित वर्मा 51 मैचेस के अंदर 20 की एवरेज, शतक भी जड़ रखा है, तो अच्छा बैट्समैन अपन कह सकते हैं। होता क्या इसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर और अच्छी एवरेज है, फिर लिस्ट के अंदर थोड़ी सी कम एवरेज है, और T20 के अंदर कम एवरेज है, मतलब इनकी एवरेज जैसे जैसे ओवर्स कम होते जाते हैं ना, जैसे फर्स्ट क्लास में आप जानते हो बहुत ओवर्स मिलते हैं, लिस्ट में थोड़े कम मिलते हैं, T20 में तो बहुत कम मिलते हैं, तो स्टैट्स थोड़ा कम होता जाता है, लेकिन अच्छे बैट्समैन है दोस्तों अपन कह सकते हैं। बॉलिंग में भी बहुत अच्छे कराया करते थे, एक दो साल पहले बहुत अच्छी बॉलिंग कराते थे। अमुंग सुनील देसाई 34 मैचेस के अंदर 13 की एवरेज है, हाईएस्ट 38 है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगे, टॉप स्पिनर है, पार्ट टाइमर। फिर आएंगे यहाँ से दर्शन मिशेल 49 मैचेस में 42 विकेट, एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। यहाँ से आएंगे सुरेश प्रभु देसाई, ठीक ठाक परफॉर्मेंस, 36 की एवरेज, हाईएस्ट 60 नॉट आउट है, दम कम रखते हैं। लक्ष्य अगर 31 मैचेस में 21 विकेट है, लिस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस है बैटिंग से भी। यहाँ से फ्लेक्स अमिलो आएंगे 9 मैचेस में 10 विकेट है, यहाँ से आएंगे मलिक स्नब सिरूर 10 मैचेस में 13 विकेट है, विजेश प्रभु देसाई का 8 मैचेस में 7 विकेट है। अशोक डिंडा का इंट्रो नहीं चाहिए दोस्तों, सब जानते हैं, अब यहाँ पे ध्यान देना आपको किस पे, जो हेरेम्ब पर्ब है ना वो अंडर 19 का खिलाड़ी इंडिया का, ठीक है, 7 मैचेस में 8 विकेट है, इसको स्टार्टिंग का मैच खिलाया फिर नहीं खिलाया, वापसी कर सकते हैं, स्टार्ट देख लेना। जितेश शर्मा आएंगे यहाँ से 45 मैचेस में 26 के एवरेज, इसने भी शतक जड़ रखा है, पहली पारी में बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी पारी में भी ठीक करा, ज़्यादा खराब एवरेज नहीं है, 31-24 है, लेकिन पहली पारी में बहुत इंपॉर्टेंट। आएंगे यहाँ से सिद्धेश्वर वत 9 मैचेस में 17 की एवरेज, 155 रन है, यश राठौड़ ने डेब्यू करा था, अक्षय वडाकर यहाँ पे 6 मैचेस के अंदर सिर्फ 61 रन है, इंपॉर्टेंट नहीं लगे। फिर आएंगे यहाँ से मोहित राउत ने भी डेब्यू करा, अक्षय करनेवर ने यहाँ पे 37 मैचेस के अंदर 33 विकेट निकाला, 329 रन है, लिस्ट के अंदर अच्छा स्टार्ट है, 33 मैचेस में 49 विकेट्स है, 500 के आसपास रन है। अपूर्व वानखेड़े का 51 मैचेस में 24 की एवरेज है, 850 रन है, हाईस्ट 56 नॉट आउट है, हिटिंग करते हैं, सिक्स के लिए जाने जाते हैं। आएंगे दर्शन अलगांडे 13 मैचेस में 29 विकेट है, इसलिए तो बहुत पॉपुलर पिक है कैप्टन की। आदित्य ठाकरे आएंगे डेब्यू करा था, यश ठाकुर ने 19 मैचेस में 26 विकेट निकाला था, तो अच्छे खासे बॉलर मुझे लगे थे। यहाँ से अक्षय वखारी जिस टीम के कैप्टन है, जो 4 ओवर डालते हैं 50 मैचेस के अंदर 45 विकेट्स है, लिस्ट के अंदर तो और अच्छा स्टैट्स है, 48 में 58 विकेट है। यहाँ से आप देख सकते हो बेंच के ऊपर कौन रहेगा, कॉमन कैप्टन आपको दिखेंगे दर्शन अलगांडे और यहाँ से अमित वर्मा, आपको ग्रैंड लीग के अंदर बनाया आपको बनाया नलाकांडे को, ठीक है, यहाँ से आदित्य कौशिक को, यश ठाकुर को और यहाँ से एकनाथ करेकर को, ये चार पे आपको रोटेट कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों वाइस कैप्टन को किसको ट्राई करना है, वाइस कैप्टन आप ट्राई कर लेना किसको, यहाँ से जितेश शर्मा, अमित वर्मा दोस्तों ऐसा खिलाड़ी है, चल गया तो चल गया और बिल्कुल नहीं चलेगा, सीधी बात आती है। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, इतनी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आपके रिक्वेस्ट में मैं दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आपके बिना कुछ नहीं, यहाँ पे बात करेंगे टीम्स की, क्या रहने वाली यहाँ पे टीम्स। यहाँ पर मैंने तीनों कीपर को ले रखा है दोस्तों, आई थिंक जनता क्या करेगी, ये दोनों को लेके आएगी, पर मैंने इसको भी लिया, एक कौशिक को, ये अच्छे खिलाड़ी है दोस्तों यार, 9.5 पे मिलते हैं, इनका क्या है कंसिस्टेंटली 20-30 स्कोर रहता है। इस बैट्समैन का क्या है, ये चल गया तो चल गया वरना नहीं चलता दोस्तों, सीधी बात है। यहाँ से अपूर्व वानखेड़े इंपॉर्टेंट है, एस वर्थ ठीक ठाक करते हैं, एस प्रभु, यहाँ से मैं अपूर्व वानखेड़े को ड्रॉप करना चाहता था, लेकिन मैं लू किसको, बैटिंग सेक्शन के अंदर ये लोगों ने किसी को डाल ही नहीं रखा है, सबको ऑलराउंडर में डाल रखा है या फिर बॉलिंग में डाल रखा है या तो कीपिंग में, ठीक है। यहाँ से आप देखो यार, दो टीम से थोड़ी दो कीपर्स थोड़ी कीपिंग करेंगे यार, यहाँ से एक करेकर कीपिंग करते हैं, देते कौशिक को पता नहीं लोगों ने कीपिंग में क्यों डाल रखा है, मतलब अजीब चीज़ है। यहाँ से देखो फिर आप डी मिश्रा ठीक ठाक करते हैं, यहाँ से ये तो कैप्टन सबके रहेंगे, यहाँ से यश ठाकुर एक मुझे इंपॉर्टेंट बॉलर लगे, अगर यहाँ से कौन विदर्भ पहले बॉलिंग कराती है ना विदर्भ, तब मैं इनको लूँगा,
ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, जब विदर्भ पे पहले बॉलिंग कराते यश ठाकुर को लूंगा, वरना इनको मैं ड्रॉप कर दूंगा, सीधी बात है। लक्ष्य अगर इंपॉर्टेंट, अशोक डिंडा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे विदर्भ भी दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग टीम है, दिक्कत क्या है, रिसेंट फॉर्म खराब है, बाउंस बैक कर सकती है, वरना अपन स्टैट्स देखते हैं, रिसेंट फॉर्म देखते हैं तो गोवा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टीम लगती है, 55% या 45% स्ट्रॉन्ग टीम है, आपको बता दिया मैंने, कुछ लोग कहते हैं आप बता देंगे स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है, तो उसके हिसाब से आप टीम बना सकते हो। यहाँ से इंपॉर्टेंट मुझे लगे, हिटिंग करते हैं, अच्छे खासे बैट्समैन दोस्तों सब जानते हैं, रहेंगे यहाँ से कौशिक, ये वही बात आती है दोस्तों, अच्छे बैट्समैन है, कीपिंग यहाँ पे तो वही करेंगे अपने कैरेक्टर, तो बात क्या आती है, बात ही आती है, अच्छा स्टार्ट लेते हैं, 20-30 करते हैं मैच के अंदर, और जे अपने जितेश शर्मा है ना, ये भी अच्छे बैट्समैन है, तो आप यहाँ पे देख लेना किसको लेना, आप चलते हैं अपन यहाँ से एस प्रभु देसाई, इनको लेना पड़ेगा, एस को लेना पड़ेगा, अपूर्व वानखेड़े को लेना पड़ेगा, आप यहाँ से किसको ट्राई कर सकते थे, एस कोथागर को ट्राई कर सकते थे अपूर्व वानखेड़े के बदले, या प्रभु देसाई के बदले, ठीक है, इसको आप रोटेट कर लेना, क्योंकि बैटिंग स्टेट के अंदर ड्रीम टीम के अंदर भी आप देखोगे ये दो प्लेयर्स तो रहने वाले हैं, दो तीन, ठीक है, इनमें से ये प्लेयर आ सकता है, ये कोशिश करेगा मैं ड्रीम टीम में आऊँ, ड्रीम टीम समझते हो ना, आप जानते हो दोस्तों सब, यहाँ से देखो डी मिशेल ठीक ठाक रहेंगे, यहाँ से ए वर्मा को आप ले लेना यश ठाकुर के बदले, अगर यहाँ से ये पहले बैटिंग करते, ये दूसरी बारी में बैटिंग करते हैं तब, ठीक है, यहाँ से यश राठौड़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में अच्छी बैटिंग करी थी, ठीक है, इसने 36 करा था 31 बॉल के अंदर, मुझे अभी भी याद है, तो अच्छे टच में दिखे थे, एक दो टीम में ट्राई कर सकते हो मैक्सिममली, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये दोस्तों आप ले सकते हो, मैंने इनको अवॉइड करा है, क्यों करा है वो आप जानते हो दोस्तों, कि चार ओवर तो डालते हैं, इनका दिन रात तो 3 विकेट लेके जाएंगे, वरना दोस्तों विकेटलेस जाएंगे, तो मैं यहाँ पे वही कह रहा हूँ कि देखते हैं कैसा करते हैं। अशोक डिंडा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच के अंदर, लक्ष्य अगर इंपॉर्टेंट है, ये दो नाम तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तीन नाम इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, ये आपकी बेस्ट टीम बना के देंगे। अब देखो यहाँ से फिर तीसरा या चौथा बंदा कौन आता है, वी प्रभु देसाई, पिछले मैच के अंदर 3 विकेट निकला था अशोक डिंडा की एब्सेंस के अंदर, अगर इस मैच के अंदर अशोक डिंडा नहीं खेलते हैं तो मैं इनको आग बंद करके लूँगा, वी विजेश प्रभु देसाई को, एम सरूर भी एक पार्ट टाइमर है, फिर यहाँ से यश ठाकुर को वही कहूँगा कि अगर यहाँ से पहले बॉलिंग कराती है विदर्भ तो आप इनको ले सकते हो, ठीक है, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा, आपको करना क्या, सिंपली सर्च करना है @ स्टार्ट्स गुरु जी, आप जैसे ही सर्च करोगे एक चैनल मिल जाएगी जिसके अंदर आपको करंटली 66,000+ सब्सक्राइबर दिख जाएंगे, तो मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, देखते रहिए स्टार्ट्स गुरु जी, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।